स्वागत करती हूँ। साबुत मूंग बहुत ही हेल्दी होते हैं और अगर स्प्राउटेड मूंग यूज करें तो वो और भी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। इसमें हमें प्रोटीन के साथ साथ बहुत से विटामिन भी मिलते हैं। आज मैं आपके सामने स्प्राउटेड मूंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं स्प्राउटेड मूंग। ये मेरे पास 1 कप साबुत मूंग है। मैं इनको अंकुरित करूंगी या इनके स्प्राउट्स बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनको पहले साफ करेंगे और साफ करने के बाद पानी से वॉश करने के बाद लगभग 5 कप पानी में इनको पूरी रात के लिए या 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे। मैंने साबुत मूंग को पहले पानी से वॉश किया और फिर 5 घने पानी में यानी 5 कप पानी में भिगो दिया। अब ये 10 घंटे के बाद फूलकर मोटे हो गए हैं। अब एक छलनी लेंगे और छलनी में मूंग में से पानी छान देंगे। मूंग में से पानी निकल गया है। इस पानी को भी आप फेंकिएगा नहीं। अगर आपने प्लांट घर में लगाए हुए हैं तो उसमें हम इस पानी को डाल सकते हैं। ये प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब हम एक साफ टॉवल लेंगे और इसको बिछा देंगे। इसके ऊपर हम ये मूंग डालेंगे और इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी को सुखा देंगे। आप टॉवल की जगह कोई भी मोटा कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जो मूंग के बीच में एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाएगा। यह आप कुछ देर के लिए आधे घंटे के लिए लगभग छलनी में भी रख सकते हैं जिससे पूरी तरह से इसका पानी निकल जाए। अब हम एक कैसरोल लेंगे। ये इंसुलेटेड है। इसमें हम इन मूंग को रखेंगे। अब हम कैसरोल का ढक्कन बंद कर देंगे। इस कैसरोल को हम लगभग 15-16 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। 16 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपने स्प्राउट्स चेक करते हैं। ढक्कन खोलेंगे। वाओ, कितने अच्छे हमारे स्प्राउट्स तैयार हुए हैं। अगर हमें और इससे लंबे स्प्राउट्स लेने हैं तो हम इसको और ज़्यादा देर ऐसे ही कवर करके रखेंगे। वैसे हमारे ये ही बहुत अच्छे हुए हैं। थोड़ा सा वेदर का फ़र्क पड़ जाता है। सर्दियों में थोड़ा देर से होते हैं, आजकल रेनी सीजन है तो ये बहुत ही अच्छे स्प्राउट्स तैयार हुए हैं। स्प्राउट्स बनाते समय बस इतना ध्यान रखें कि जब हम कैसरोल में मूंग डालने जा रहे हैं उससे पहले वो बहुत ज़्यादा गीले ना हो। या तो हम इनको आधा घंटे के लिए छलनी में ही छोड़ दें और फिर उसके बाद कैसरोल में डालें, या किसी मोटे कपड़े से अच्छे से सुखा कर तब हम कैसरोल में मूंग को डालें। मूंग स्प्राउट्स बनकर तैयार हैं। स्प्राउट्स बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं या इनको स्टीम कुक करके भी खा सकते हैं। मूंग स्प्राउट देखने के लिए आपका धन्यवाद।